राधे राधे दोस्तों, मैं कृतिका स्वागत करती हूँ आप सभी का किचन वर्ल्ड बाय कृतिका में। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं गोंद के लड्डू, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं, उससे बड़ी बात बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। ये रेसिपी मुझे मेरी मम्मा ने बताई है और उनके हाथ के बने लड्डू मुझे ये बहुत पसंद हैं। लेकिन मम्मी अक्सर एक ही लड्डू खाने को देती हैं दिन में एक बार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मी भी करते हैं। तो इस मौसम में आप इन लड्डुओं को ईजिली खा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी इस समय नहीं है, इसलिए इन लड्डुओं को एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। कई सारे डिसीज़ हैं, जैसे कि हड्डियों का दर्द है, जोड़ों का दर्द होता है, या फिर जिनको ठंड ज़्यादा लगती है, साथ ही बच्चों के लिए, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो मेरी सलाह भी यही है कि आप इन लड्डुओं को दिन में एक से ज़्यादा ना खाएं, और इनका खाने का बेस्ट समय है ब्रेकफास्ट में। तो फिर चलिए मेरे साथ और बनाते हैं टेस्टी और हेल्दी गोंद के लड्डू। लेकिन उससे पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते अपनी रेसिपी की ओर, तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेलन सीड्स को रोस्ट करने की। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी मेलन सीड्स ली हैं और इनको हमें स्लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। ध्यान रहे, ये खरबूजे के बीज बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जल भी जाते हैं। तो जैसे ही इनमें से चटकने की आवाज़ आने लगे और ये फूल जाएं, तब आप समझ जाइए आपके बीज जो हैं वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। कलर आपको इसका चेंज नहीं करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने का। तो मैंने 1 चम्मच घी में यहाँ पर कुछ काजू और बादाम, दोनों चीज़ ले ली हैं, और इनको भी हम गोल्डन रोस्ट कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। फटाफट इनको भी हम निकाल लेंगे रोस्ट करने के बाद। फिर हम कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच घी, क्योंकि अब हम रोस्ट करेंगे यहाँ पर गोंद। तो ये नॉर्मल गोंद है, जिसको हम खाने वाला गोंद कहते हैं, और मार्केट में इजीली मिल जाता है आपको। बेसिकली ये बबूल का गोंद होता है, और यही गोंद लड्डुओं को बनाने में यूज़ किया जाता है। और जैसे ही घी में डालेंगे आप इसे, ये फूलने लगेगा और बहुत ही क्रंची इसका टेक्सचर हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर आप इसे ईजिली फुला सकते हैं। बस ये जलना नहीं चाहिए, क्योंकि गोंद भी हल्का होता है और बहुत जल्दी गोल्डन कलर आने लगता है। तो तीनों चीज़ें हमने रोस्ट कर ली हैं और इनको मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब बारी आती है बचे हुए घी में ही हम यहाँ पर मिलाएंगे 1 बड़ी कटोरी गेहूँ का आटा। गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। तो गोंद के लड्डू बनाने के लिए अक्सर गेहूँ के आटे का ही यूज़ किया जाता है। आप चाहें तो इसमें 2 से 3 चम्मच या फिर 1 चम्मच बेसन भी मिला सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो, वरना हम यहाँ पर गेहूं के आटे से ही लड्डू बना रहे हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे घी। तो मैं यहाँ पर 1/2 छोटी कटोरी घी और ऐड कर रही हूँ। इसी तरह से हम धीरे धीरे करके इसमें घी ऐड करेंगे। घी कितना ऐड करना है, तो आपने अगर 1 बड़ी कटोरी गेहूं का आटा लिया है तो 1 बड़ी कटोरी ही आपको घी का यूज़ करना होगा। यहाँ हमने घर का बनाया हुआ घी यूज़ किया है, जिससे लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं, जो गेहूं का आटा है वो उसने घी को अच्छे से सोख कर लिया है। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पर हमें भूनना है, जब तक कि इसमें से एक प्यारी सी खुशबू ना आने लगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा जो आटा है वो घी में अच्छे से भीगा हुआ है। तो यही टेक्सचर आपको रखना है हर लड्डू के लिए। और जैसे ही इसमें गोल्डन कलर आ जाए और खुशबू आने लगे, तो आपका जो आटा है वो अच्छे से भुन गया है। इसे हम निकाल लेंगे, तुरंत ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि गैस बंद हो जाने के बाद भी कढ़ाई गर्म रहती है और कुकिंग होती रहती है, इसलिए हम इसे एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म रहना चाहिए, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए हल्का गर्म आटा होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ही हल्का गर्म। अब हम इसमें ऐड करेंगे फुलाया हुआ गोंद। तो गोंद को आप पहले भी क्रश कर सकते हैं, या फिर मिलाते समय भी इसे क्रश कर सकते हैं, क्योंकि फूलने के बाद गोंद काफ़ी क्रिस्पी हो जाता है, कुरकुरा हो जाता है, इसलिए बहुत जल्दी क्रश भी हो जाता है। तो इसी तरह मैंने भी अपना गोंद इसमें अच्छे से क्रश कर लिया है। अब बारी आती है इसमें बूरा ऐड करने की। तो आपको मीठा कितना डालना है, तो जितनी क्वांटिटी में हमने आटा और घी लिया था, उतनी ही क्वांटिटी में आपको मीठा लेना है। यहाँ पर मैं बूरा मिला रही हूँ, साथ ही इसके मिला देती हूँ जो हमने रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट लिए थे। हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। मीठा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वरना ये परफेक्ट मीठा चाहिए तो आपको तीनों चीज़ें क्वांटिटी में एक समान लेनी होंगी। हमने अभी तक इसमें खरबूजे के बीज जो हमने रोस्ट किए थे वो मिलाए नहीं हैं, तो इलायची पाउडर के संग हम यहाँ पर मेलन सीड्स भी ऐड कर देंगे, क्योंकि मेलन सीड्स बहुत हल्की होती हैं और अगर हम इन्हें पहले मिला देंगे तो ये टूट जाएंगी। अब हमें हल्के हाथों से दोनों चीज़ें, इलायची पाउडर और मेलन सीड्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है।
लेकिन टूटे नहीं ध्यान से। अब हम इनके लड्डू बनाएंगे। तो हम मीडियम साइज के लड्डू यहाँ बना रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी साइज रख सकते हैं, छोटा बड़ा। साथ में मैंने यहाँ पर एज अ गार्निश काजू का यूज़ किया है, तो इन्हें भी हम अच्छे से लड्डू के संग प्रेस करते हुए अपना लड्डू तैयार कर लेंगे। और इस तरह से हमारे जो गोंद के लड्डू हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे। बस आपको इसी तरह से झटपट अपने लड्डू बनाने हैं, और लड्डू बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इनको रेस्ट करने देंगे ताकि जो लड्डू हैं वो सेट हो जाएं, क्योंकि अभी ये लड्डू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। खाने में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। इन लड्डुओं में चाहे गोंद हो या ड्राई फ्रूट्स हो या सीड्स हो, सभी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इन लड्डुओं की तासीर भी गर्म है। इसलिए एक से ज़्यादा इसे बिल्कुल मत खाइएगा दिन में एक बार। और ये हमारे टेस्टी टेस्टी और हेल्दी हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हैं गोंद वाले। तो इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइएगा और एक बार बनाकर ज़रूर खाइएगा। ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स देने वाले ये लड्डू बहुत कमाल के हैं। ये आपको पूरी तरह से सेहतमंद भी रखेंगे और बीमारियों से दूर भी रखेंगे। और टेस्टी तो ये इतने होते हैं कि आपको एक से ज़्यादा खाने का इनका मन कर ही आएगा। तो इन टेस्टी और हेल्दी लड्डुओं के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो वीडियो को लाइक के संग संग शेयर भी कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक खाइए खिलाइए खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।